तरुण एमपी। ये मुकाबला भाई बहुत ही रोमांचक मुकाबला आपके बीच में, जिसका बड़ी बेसब्री से करोड़ों कुश्ती प्रेमियों को इंतजार था। रेड कॉस्ट्यूम रवि भाई आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है, और दूसरी तरफ भाई ब्लू कॉस्ट्यूम में तरुण सहरावत को आप देख रहे हैं, अमन सहरावत। अमन सहरावत मुकाबला रोमांचक मुकाबला एशियन गेम में बुला लो करण देव से गौरव बालियान। करण देव गौरव बालियान रेड कॉस्ट्यूम में टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट रवि दैया, ब्लू कॉस्ट्यूम में अमन सिंह रावत, सुपरस्टार पहलवान रवि को बढ़ता हुआ पहलवान। लंबे समय से करोड़ों खेल प्रेमियों को इस कुश्ती का इंतजार था, अब देखते हैं इस कुश्ती का क्या परिणाम रहता है। रेड कॉस्ट्यूम में सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक के रवि दैया और ब्लू कॉस्ट्यूम में अमन सिंह रावत के बीच ये मुकाबला। लंबे समय तक इस मुकाबले की याद ताजा आप लोगों के ध्यान में रहेगी। अच्छा अटैक, अच्छा अटैक, अच्छा अटैक भाई, देखो बॉल ने काउंटर किया भाई, काउंटर काउंटर, ये देखो भाई, ये देखो हिसाब बराबर, हिसाब बराबर भाई, हिसाब बराबर, दो दो चार दो, सॉरी चार दो से रवि के पक्ष मुकाबला। रोहित बोरा रविंदर खतरे, रोहित बोरा रविंदर खतरे, रोहित बोरा रविंदर खतरे। लंबे समय के अनुसार दो अंकों की बढ़त रवि दैया के पास रेड कॉस्ट्यूम में, लेकिन लगातार अटैकी रेसलिंग खेलते हुए अमन सिंह रावत ने मुकाबले का आखिरी, जब तक आखिरी सीटी रेफरी की नहीं बच जाती तो उसको कुछ नहीं कह सकते ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। ये देखो अटैक भाई, फिर अटैक भाई, ये देखो अटैक अमन सिंह रावत का अटैक, चार चार से मुकाबला, चार चार से मुकाबला भाई। चार चार से दो मिनट भी नहीं जीते, आठ पॉइंट बन लिए भाई, कुछ बहुत जबरदस्त है। ये देखो देखो ये देखो ये देखो भाई, जो कॉमन से रहा होता है, ये देखिए मैडम क्या होगा, कुछ भी हो उसका, ये देखो ग्राउंड पोजिशन में बाहर है। ऑब्जेक्शन आया था भाई, अमन सिंह रावत ने मना कर दिया कुश्ती चालने देते, दो अंकों की बढ़त अमन सिंह रावत के पास भाई, चार रवि के छह अमन के, ग्राउंड पोजिशन में घुटने बाहर थे इसलिए कुश्ती भाई को स्कोर दे दिया इस पोजिशन में। अब इस मुकाबला किसके पक्ष में जाए कुछ नहीं कह सकता, दो अंक की बढ़त अमन के पास जरूर है, ये अभी लाइट में कट मारा इस वजह से कुश्ती रोकी गई है। मुकाबले का भी हाफ टाइम भी नहीं है, रवि दो अंकों से पीछे चल रहे हैं, अमन सिंह रावत के छह हैं डब्ल्यू कॉस्ट्यूम में और रवि के चार हैं, तो भी थोड़ा सा लाइट में कट मार दिया था इस वजह से सारी स्क्रीन बंद हो गई थी, जो भी स्कोर बोर्ड है उनको दोबारा चालू किया जा रहा है, स्कोर बोर्ड जो ही चालू होंगे तुरंत मुकाबला आपके बीच में शुरू होगा। ये वो मुकाबला दर्शकों जिसकी याद ताजा काफी लंबे समय तक आपके जहन में रहेगी, ऐतिहासिक मुकाबला है हिंदुस्तानी कुश्ती की, जो करीम है वो यहाँ आज आपके सामने, चोट के बाद ऑपरेशन के बाद वापसी का अच्छा प्रयास, लेकिन रवि को पता है भाई
उसकी लड़नी पड़ेगी अगर कुश्ती जीत लिया। देखो भाई तेरा मन अटैक पर था, अमन ने पुनः अटैक, अब देखो यहाँ से क्या लगता है। देखो भाई ये कुछ नहीं भाई, अमन चेहरा उसने भाई डबल कर लिया अपनी मूड को, हाँ जो चार से हाँ वो थर्ड है वो बच गया था भाई, मध्यांतर का समय हो गया भाई पीछे है। चार और आठ का स्कोर रवि दहिया के चार और अमन से राउत के आठ अंक, मुकाबला बहुत फास्ट चला है, 12 अंक 3 मिनट में बढ़ना अंदाजा लगा ले दोस्तों मुकाबला कितना फास्ट चला है। और अभी मध्यांतर के बाद पुनः मुकाबला, अगर 3 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी रेफरी ने वापिस भेजा दोनों पहलवानों को पसीना साफ करने के लिए। ये मुकाबला रोमांचक मुकाबला है, अभी तक पिछले 3 मिनट के हुए मुकाबले की अगर बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अमन से राउत आरएसपीबी लेकिन अमन बॉबी चंडीगढ़ आइए दोनों पहलवान 74 के जी फ्री स्टाइल के लिए यश और बॉबी। अब 4-10 से अमन से राउत के पक्ष में मुकाबला, शुरू से बहुत फास्ट कुश्ती चली है, किसी भी खिलाड़ी का जो ऑपरेशन होता है उसको वापसी करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। डॉक्टर मैट सिंह
सुनील आर एस पेवे आदित्य कर्नाटका दोनों पहलवान भी रुपये को ध्यान से देख रहे हैं, वो किसी को देख रहे हैं दोबारा से के लिए जबरदस्त मुकाबला बहुत ही 20 से ज़्यादा अंक इस मुकाबले में बढ़ चुके हैं। देखे जा रहा भाई 10-13 पर तो कुश्ती शुरू होगी या 9-14 पर तक। अगर रोहित का एक ही स्कोर था और गलत चैलेंज करा तो एक स्कोर अमन को मिल जाएगा। अगर रोहित का चैलेंज ठीक है तो रोहित के 10 हो जाएंगे। सेकंड का समय शेष है आदित्य कर्नाटका इतने देखे जा रहा है कुश्ती बड़ी बेहतरीन कुश्ती 57 किलोग्राम का वो मुकाबला जिसका काफी लंबे समय से दर्शकों को इंतजार था वो मुकाबला ऐतिहासिक मुकाबला शानदार मुकाबला जानदार मुकाबला टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया आदित्य कर्नाटका कहाँ से दिखा रहे हो भैया। अच्छा अच्छा इसको लास्ट एक्शन उस पे लाना आदित्य कर्नाटका वीडियो रिकॉर्डर को अच्छी तरह से उस जगह लास्ट है यार सेकंड राउंड में आ जा बस संजय शिव नरेश सेकेंड हॉल में जो मैच डी की कुश्तियाँ वो भिजवाइए प्लीज। आदित्य कर्नाटका जो सेकेंड हॉल में उस पर कुश्तियाँ भिजवाइए संजय जी। रवि दही आपको दिखाई दे रहे हैं कैमरे स्क्रीन पर और दूसरी तरफ एशियन चैंपियन आदित्य कर्नाटका फाइनल कॉल थर्ड एम्पायर के डिसीजन का इंतजार हो रहा है मुकाबला किसके खाते में जाता है ये अगले 52 सेकंड का समय शेष है निर्णायक 52 सेकंड का समय और ये थर्ड एम्पायर का फैसला भी काफी निर्णायक साबित होने जा रहा है इस मुकाबले में। मनोज कुमार हरियाणा अजय हरियाणा मनोज हरियाणा अजय हरियाणा चैलेंज लॉस्ट भाई सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पे क्योंकि उसकी पूरी बॉडी बाहर निकल चुकी थी और विसल भी लग गई थी वहाँ पे चैलेंज लॉस्ट अब पांच अंकों का फर्क रहेगा भाई पांच का मात्र 40 सेकंड का समय शेष देखो रवि हार ना मान देखो भाई ये रवि भाई बहुत जबरदस्त कुश्ती थी अमन सहरावत इस मुकाबले में दोनों पहलवानों को भाई बेस्ट अच्छा मुकाबला था।